आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे होई मोंटी भाटिया आंटी। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। तो जय गुरु जी। संगत जी, जैसे ना अंकल ने बताया, मेरे नाम होई मोंटी है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ, क्यों उन्होंने आज मुझे फिर से मौका दिया मेरे उनके साथ जर्नी शेयर करने के लिए। और मंदिर मैनेजमेंट विक्रम अंकल, उन्होंने कल शाम को मुझे फोन करके मतलब मुझे हुक्म दे कि सत्संग शेयर करने के लिए, इनफैक्ट कल के लिए बोले थे कल, लेकिन मैं बड़ा मंदिर जा रही थी तो गुरुजी से माफी मांगूंगी कि कल मैं नहीं कर पाई। तो गुरुजी ने फिर मुझे आज मौका दिया मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। ऑल्दो मेरी ये पहली बार नहीं है, लेकिन हर बार के लिए मैं हर बार जैसे मैं बहुत नर्वस हूँ। और संगत से मैं पहले मेरे हिंदी के लिए माफी मांगूंगी, क्योंकि मेरी एम ए बंगाली और मेरी हिंदी बहुत अच्छी है नहीं, तो मैं गलत बोलूंगी, तो उसके लिए मैं बोलूंगी हिंदी में, लेकिन प्लीज आप माफ कर दीजिएगा जहां पे भी गलत बोलूं। और गुरु जी से भी माफी मांगना अगर मैं कुछ गलत मतलब वैसे तो मतलब जानबूझ कर तरी, बट अगर कुछ गलती से कुछ ऐसे कुछ बोलूंगी जो सही ना हो। पहले एक दो बार तो मैंने थोड़ा पॉइंट्स नोट कट करके सत्संग करती थी, इस बार मैंने बिल्कुल गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि जैसे उन्होंने जैसे गाइड करेंगे वैसे बोलूंगी। लेकिन जैसे गुरुजी हमेशा बोलते थे शुरू से शुरू करने के लिए, मैं अपना जर्नी का शुरुआत से करूंगी। हो सकता है जो संगत पहले सुने हो तो उनके लिए रेपिटेशन हो, क्योंकि आई एम गोइंग मैं मेरे पहले पुराने ही सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन हो सकता आप में से कई सारे नए संगत हो जो अभी जुड़े हैं गुरु जी की इस ब्यूटीफुल परिवार में, तो उनके लिए हो सकता है और कुछ मैसेज हो, पुराने संगत के लिए भी हो सकता है और कुछ मैसेज हो। खैर, मैं ये सब सोचने में नहीं जाऊंगी, आई जस्ट स्टार्ट माई जर्नी। तो इसके पहले कि मैं गुरु जी के पास कैसे आई वो बताने के पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि उससे आपको समझ में और आएगा कि गुरु जी मतलब मेरे जैसे लोग मतलब सबको कितने प्यार से रखते थे, और मतलब एक बार आप अगर उनसे जुड़ गए हैं तो कितने प्यार से हमें रखते हैं, और हम चाहे कितनी भी गलती करें और कुछ भी किए हो तो गुरु जी माफ करके हमें अपने पास रखते हैं, अपने साथ जोड़ के रखते हैं। सबसे बड़ा अरदास तो मुझे अभी यही लगता है कि गुरु जी हम सबको अपने शरण में रखे, अपने साथ जोड़ के रखे, ताकि हम भटक ना पाए, गुरु जी के साथ जुड़े रहे। खास तौर से जब मुश्किल टाइम आता है तब मतलब थोड़ा सा फेथ ये होता है, लेकिन गुरु जी की कृपा से हम उनके साथ रहे और गुरु जी हमारे हाथ पकड़े रहे, ये अरदास मैं सबके लिए करूंगी, अपने लिए तो खे रही है। तो हमारे जैसे ज्यादातर लोग मतलब बहुत लोग जो और ज्यादा ऊंचे सोल्स है जो और गुरुजी के साथ और जुड़े हुए रहे होंगे, उन्होंने हो सकता है गुरुजी के पास बिना कोई प्रॉब्लम का आए हो, लेकिन मैं वो आम संगत हूँ जिनको गुरुजी के पास तब पहुंचू जब अपने जिंदगी में कुछ समस्या चल रही थी और मतलब सोल्यूशन ढूंढ रहे थे कि कैसे कोई ब्लेसिंग्स करे या कुछ उपाय बताए। तो मैं कभी स्पिरिचुअल हूं लेकिन रिलीजियस नहीं हूं, कभी पूजा पाठ मंदिर व्रत ये सब कभी नहीं की हूं। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा था तो हमने जगह जगह कई सारे मंदिर कई सारे पंडित के पास गए। तो मैं बंगाली हूँ एंड मैरिड टू अ पंजाबी भाटिया, तो मुझे कुछ कुछ पंडित ने जैसे बोला था कि नॉनवेज छोड़ देना, अब नॉनवेज खाते हो या ये प्रॉब्लम है, तो मैंने वो भी कोशिश की और मान लीजिए मेरे लिए वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगेगा मतलब ये कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। तो मैं बहुत सारे चीजें ट्राई करने के बाद थक गई थी। तो उस वक्त जो है उसके 2 साल पहले हमारे एक फ्रेंड मेरे हस्बैंड इज इन द इज अ सीनियर ब्यूरोक्रेट सर्विस में है, तो हमारे एक फ्रेंड जो वो भी ब्यूरोक्रेसी में है,
तो उसने मुझे गुरु जी के बारे में बोला था कि तुम चलोगे गुरु जी के पास, तो मैंने बोला था हाँ ठीक है चलेंगे। तो तब वो मेरठ में पोस्टेड था, तो मुझे लगा वो गुरु जी मेरठ में रहते हैं। फिर उसके बाद उस टाइम जो है गुरु जी के पास आप अपने आप नहीं जा सकते थे, या तो गुरु जी खुद बुलाए आपको बाय नेम, या फिर आपके लिए कोई परमिशन मांगे कि गुरु जी इनको मैं लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं आ सकते हैं, तो गुरु जी अगर हाँ बोले तभी आप आ सकते हैं। तो उसने जो है गुरु जी से परमिशन मांगा था, गुरु जी ने हाँ भी बोला था, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम नहीं आया होगा, तो 1.5 साल और निकल गए। लेकिन हम गुरु जी के पास, उसने भी बताना भूल गया, मैंने एक भी कभी पूछा नहीं, क्योंकि मैं कभी गुरु मतलब जब भगवान मंदिर ही नहीं जाती तो गुरु मतलब विश्वास ही नहीं करते थे, और मतलब ह्यूमन बीइंग्स ये सब तो कभी विश्वास ही नहीं करते थे। उसके बाद हम एक बार फरवरी में उस साल आए 2004 में, तो गुरु जी के वो उसी फ्रेंड के घर में हमारे एक कॉलेज का बैचमेट्स का गेट टुगेदर था, तो उसके घर में बैठे हुए तो वो ऑफिस जा रहा था, तो अपना ऑफिस बैग जैसे ही खोला, गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप, तब हम फोटो ही बोलते थे, स्वरूप भी नहीं बोलते थे, वो उसके बैग में था। तो सरदार जी मैं ऐसे भी बोली उसको कि गुरु जी का अगर आप सपने तो आप देखे ही हैं, तो कितनी सुंदर और कितने मतलब ही इज वेरी फेयर एंड हैंडसम, तो मैंने जस्ट एक झलक देखा, तो मैंने ऐसे ही मजाक से बोला कि भाई तुम कौन फिरंग का फोटो अपने बैग में लेकर घूम रहे हो। तो उसने बोला हंस के बोला अरे नहीं नहीं वो वही गुरु जी मैंने तुम्हें बोला था, तो चलोगे आज। बट उसी दिन हम उस टाइम मेरे हस्बैंड वाज पोस्टेड आउट ऑफ दिल्ली, तो हमें वापस जाना था, तो मैंने बोला नहीं अभी तो आज हम वापस जा रहे हैं। तो बोला तब भी गुरु जी का टाइम नहीं आया था मैं उनके पास पहुंचने के लिए। उसके जस्ट 2-3 महीने बाद इन द मंथ ऑफ मे फिर हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो हमारा और एक फ्रेंड था IAS में, वो असम कार्डर का था, उसने बोला कि मेरे जान पहचान एक बहुत बड़ा बढ़िया एस्ट्रोलॉजर है गुवाहाटी में, तो वहां पे जाओ वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो हमने सोचा, हम तब उत्तराखंड में पोस्टेड थे, तो हमने सोचा कि अब गुवाहाटी थोड़ा ज्यादा दूर है, ये दिल्ली वाले गुरुजी को पहले ट्राई कर लेते हैं। सर एंड बिलीव मी हम बिल्कुल उसी इसमें आए थे कि मतलब ट्राई करके देखते हैं, पास में है सो मोर कन्वीनियंट, देखते हैं कि ये गुरु कुछ कर, मतलब लिटरली ऐसे ही सोच के आए थे। तो जब आके उस फ्रेंड को बोला हाँ आ जाओ, तो हम गए, तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारे गुरु अगर मुझे नॉनवेज छोड़ने के लिए बोले तो मैं तो वापस नहीं आ रही हूँ। ही जस्ट लाफ्ड एंड सेड नहीं वो ठीक है, ऑल दैट यू हैव तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जाके उनका पैर छुरा ये कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल बोला वो तो हमारे संस्कार में है कि बड़ों का पैर छूते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो करेंगे। और एक चीज अच्छी थी कि हमारे फ्रेंड ने हमें गुरु जी के बारे में और कुछ नहीं बताया था, हमें बिल्कुल जीरो नॉलेज लेकर आए, मतलब कोई आइडिया नहीं थे गुरु जी कैसे है देखने में, गुरु जी मतलब उस टाइप का जो रोब्स पहनते थे, जो गुरु जी का चोला है, हमें नॉर्मल गुरु जैसे सैफरन सोचते, मतलब कुछ बिल्कुल सोच के भी नहीं आए थे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि मतलब हम बिल्कुल बिना कोई बायस का आए थे, लेकिन इसमें नुकसान ये भी था कि हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हम आके आपने लंबे से लिस्ट उस टाइम लंबी लिस्ट नहीं थी, एक ही चीज थी लिस्ट में, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत सारे और ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हमने गुरुजी नहीं नहीं गुरुजी हमें वो नहीं चाहिए, हमें यही वाला चाहिए। तो गुरुजी वाले के मजाक करते थे कि इसको ये मिल रहा है उसको वो नहीं चाहिए, इसको ये चाहिए, मतलब उनका बोलते भी थे मजाक। हम तब बेवकूफ थे, हमें नहीं समझ में आया था कि ना गुरुजी को कभी कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए और ना कभी गुरुजी जो ब्लेस कर रहे उसको बिना कुछ क्वेश्चन करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये हमारा वो समझ नहीं थी। हमने गलतियां बहुत की हैं, कोशिश करते हैं कि अभी वो गलती ना करें, लेकिन तब भी जाने अनजाने में करते तो रहते हैं। फिलहाल हम उस दिन पहुंचे, पहुंच के तो हम मतलब एकदम चौंक गए कि मतलब इट वॉज बिल्कुल जैसे सोच के तो नहीं गए थे, लेकिन इस तरह माहौल भी नहीं सोचे थे कि मतलब शब्द चल रहा था एंड हुज हु ऑफ इंडिया, हुज ऑफ दिल्ली, मतलब पॉलिटिशियंस, पेज 3 सेलिब्रिटीज, फेमस लोग, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, सब वहां पे बैठे हुए हैं। उनमें से कई सारे हम जान पहचान, में नाम नहीं लेना चाहती, कोई उनके चरण सेवा कर रहे हैं, कोई आर ब्यूटिफुली ड्रेस्ड एंड वेरी रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। हमने सोचे और गुरुजी इन रेस्प्लेंडेंट एकदम सुंदर सर
चोला पहनकर हमने सोचा ये पता नहीं ये बॉलीवुड टाइप का किसमें आ गए, ये लग रहा है कोई गलत जगह फंस गए। हमने सोचा चलो एक दिन तो आ गए हैं। और फिर मैंने अपने फ्रेंड को ये भी बोला था कि मैं तुम्हारे गुरु को एक महीना टाइम दूंगी, इफ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व फिर ठीक है, अदरवाइज मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ। तो ही जस्ट लाफ्ड एंड सेड वो तुम्हारी मर्जी। तो फिर गुरु जी के पास जैसे ही पहुंचा, जैसे ही जाके मत्था टेके, मत्था टेका, ये मैं हमेशा गलत बोलती, मतलब उनका पैर छुए, तो गुरु जी मेरे तरफ स्माइल करके बोले बंगालन है हिलसा मच्छी खाती है, हिलसा मच्छी खाती है। ही जस्ट मेड अ स्टेटमेंट। तो मैं बहुत खुश हो गई कि इन्होंने मुझे नॉनवेज छोड़ने के लिए तो बोला नहीं, बल्कि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मैं नॉनवेज खाती हूँ। तो लेकिन तब भी अपना सोच इतना गलत था, मतलब ये तो खैर गुरुजी, मतलब जो मेरे पास बहुत बड़ा रुकावट था कि मतलब मुझे ऐसे ना बोले कि मुझे ये सब नहीं करना है। सो ही सेड द फर्स्ट थिंग कि बंगालन है हिलसा मच्छी खाती है। तो आई थॉट कि चलो मनी मन की जी तुम्हारे गुरुजी जो है टेस्ट तो पास कर गए, मतलब इट्स नॉट मी हु इज परीक्षा दे रहे, एज इफ गुरु, मतलब गुरुजी का टेस्ट मैं ले रही हूँ, इतनी बेवकूफ थी। एनीवे तो उसके बाद लेकिन गुरुजी के पास रंगत जी मतलब जो जाके वो बैठ के शब्द चाय प्रसाद लंगर हम जाके, तो खैर मतलब सोच के गए थे कि इसलिए जा रहे हैं, लेकिन एक दो बार जाने के बाद गुरुजी के पास वो एक महीना के महीनों निकल गए, मतलब जो हम सोच के गए थे वो हमें बहुत साल बाद मिला, मतलब वो हमें इमीडिएटली नहीं मिला, लेकिन वो जो सोच के गए थे एक महीने बाद हम और कहीं चले जाएंगे, वो मौका ही नहीं मिला। गुरुजी के पास जाके इतनी पीस, इतने प्यार और इतनी शांति, प्यार और इतने अच्छा लगता था कि मतलब और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते हम। बल्कि उस टाइम दिल्ली के, जैसे मैंने बताया दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे, तो हम मौका ढूंढते थे कि कैसे दिल्ली में आए और कैसे गुरुजी के पास जाएं। तो हम बल्कि वही उसलिए वैसे कोशिश करते थे कि वीकेंड में आए, कई बार बिना बताए भी आए। तो गुरुजी बल्कि मजाक से बोलते भी थे कि बिना छुट्टी आ गए, मतलब कई बार ऐसे हुआ है कि मतलब मान लीजिए कुछ लखनऊ में हाई कोर्ट हियरिंग है या कुछ है, तो हम उसके लिए आए हैं और फ्लाइट लेकर आ गए हैं और फिर वापस चले गए हैं, मतलब। तो गुरुजी ऑफ कोर्स जानते थे हर चीज, तो मतलब लेकिन ना, और आके हम ना कोई दोस्त को बताते थे ना कोई रिश्तेदार को बताते थे कि हम आए, हम सिर्फ आते थे विद वन पॉइंट एजेंडा कि गुरुजी के पास जाके मिलना है और अपना बैटरी रिचार्ज करना है। तब पहले दिन गए, हमने सोचा चलो एक दिन जाना, फिर अगले दिन हमारा एक जर्नलिस्ट फ्रेंड था उसके घर में पार्टी था, तो गुरुजी ने बोला कल फिर आए। और फर्स्ट फर्स्ट डे ओनली ही सेड कल्याण किताब, चल ब्लेस किया। सो वो सब वर्ड्स का हमें तब अहमियत नहीं मालूम थी, हमने सोचा चलो ये सबको बोलता होंगे, ये नहीं मालूम था कि गुरुजी सबको ये नहीं बोलते थे और खासतौर से पहले दिन तो नहीं बोलते थे। तो वो फिर अगले दिन हमारा पार्टी था, तो फिर हमने वो कैंसिल करवाए, फिर नेक्स्ट डे आए, फिर गुरुजी ने फिर नेक्स्ट डे बोला कल फिर आए। और फिर मुझे उन्होंने बोला कि एक वो सोने के ओम बना के लाने के लिए 5 ग्राम का आई थिंक ही हैड टोल्ड, तो वो बना के लाने के लिए। तो हमने सोचा चलो आप तो बिल्कुल मतलब सही जगह आ गए, उन्होंने वो ओम ब्लेस करना है और बस, जैसे हमें सोचते कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ये पत्थर ये स्टोन पहना दे वो स्टोन पहना दे तो मतलब हो जाए, तो ये ओम पहन लेंगे तो बस हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। बट हमें नहीं मालूम था कि गुरुजी वो ओम किस लिए ब्लेस कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं। गुरुजी उसके बाद मेरे जिंदगी बड़ा मतलब उन्होंने ब्लेस किया दोबारा, मतलब ही हैज ब्रॉट मी बैक फ्रॉम डेथ एंड ना जाने कितने सारे सीरियस बीमारी से ठीक किए कई बार, और कई सारी चीजें तो ऐसी भी होंगे जो मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच ऐसी थी कि मैंने सोचा चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर हम वो 3 दिन लगातार आए और गुरुजी हर बार हमें देर तक रुक बैठा के रखे और बात किए। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि गुरुजी सबसे नहीं बात करते थे, मतलब, और मैं बहुत ही मतलब कई लोग जैसा भी मैं सुनती हूँ कई संगत बोलते कि हमारा बात करने की हिम्मत नहीं होता, तो मैं आई डोंट नो, मैं हमेशा गुरुजी के पास अपने जाकर मतलब जितना भी डाउट्स होता है, मतलब जैसे कोई घर के बड़े
से आप जाके बात करते हो वैसे ही मैं जाके बात करती हूँ। गुरु जी हमेशा स्माइल करके हमेशा जवाब दिए हैं। सो नाउ लुकिंग बैक, मतलब बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि पहले तो गुरुजी से साक्षात मुलाकात हुई, मतलब नए संगत ऑफ कोर्स और ज्यादा मतलब फॉर्चुनेट है कि गुरुजी के पास, वो गुरुजी को भगवान समझ के आए, हम वो नहीं समझ पाए थे, हम सिर्फ महापुरुष ही समझे थे, महापुरुष समझे थे। लेकिन ये था कि मतलब सिंस मैं और कोई भगवान में, मतलब कोई पर्टिकुलर भगवान में, मतलब शिव हो, शिव जी हो, कृष्ण जी हो, वैसे नहीं विश्वास करती थी। तो मेरे पास जो भगवान के जो स्वरूप दिमाग में खाली था, मतलब तो वो गुरु जी का चेहरा मेरे दिमाग में आंखों में आ गया, मतलब वो उतना तो हो गया। मतलब ये भले ही शुरुआत में नहीं समझ पाए कि गुरु जी खुद भगवान है, इतना तो समझ में आया कि गुरु जी बहुत बड़े महापुरुष है। क्योंकि गुरु जी हमें शुरुआत में वो बैठा के रात को कई सारे पुराने संगत से बैठ के सत्संग सुनवाया, बाय नेम की अट्टे आंटी सुनो, अट्टे अंकल सुनो, ये और वो सब जो सुनते थे। तो मतलब तब लगता था कि मतलब गुरुजी जब इतने सारे चमत्कार किए हैं, इतने तो हमारे प्रॉब्लम तो मतलब इज नथिंग इन कंपेयर टू व्हाट ही हैज डन। तो मतलब हमें बहुत रिलीव फील किए कि हम बिल्कुल सही जगह आ गए, और हमारा प्रॉब्लम तो मतलब सूनर और लेटर होना ही है। तो गुरु जी का जैसे मैं कह रही थी कि उन्होंने कई सारे बीमारी, कई सारे और चीजों से ब्लेस किए हैं बाद में। और जैसे आप आजकल तो इतने सारे सत्संग ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप सब जानते होंगे कि गुरु जी कितने लोगों को कितने बीमारी से मतलब जैसे उनकी इच्छा हो वैसे, किसी को एक दिन में, किसी को कुछ महीने में, किसी को कुछ सालों में, लेकिन उनके लिए ऐसे कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मैं उसलिए बीमारी वाला या इलनेस उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहती। मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जो कि एक भगवानी कर सकते हैं। उन्होंने एकदम शुरुआत में ही हमें वो बता दिए थे, लेकिन वो तब भी हमें नहीं समझ में आया था। तो गुरु जी से मिलने के 2-3 महीने बाद हम लोग उस टाइम जैसे मैंने बताया था थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, हस्बैंड थोड़ा प्रोफेशनली भी फ्रस्ट्रेटेड चल रहे थे, और फिर हमारा पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रहा था। गुरु जी ऑफकोर्स प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे रहे थे, बट हम बेवकूफ जैसे नहीं नहीं गुरु जी हमें वो सब नहीं चाहिए, पोस्टिंग नहीं चाहिए, वो पोस्टिंग नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। तो एनीवे तो हमने सोचा कि मेरे सिस्टर रहती थी, अभी भी रहती है यूएसए में, न्यूयॉर्क स्टेट में, ऑल्बनी बोलकर न्यूयॉर्क स्टेट का जो कैपिटल है ऑल्बनी, वहां पे कुछ जगह में वहां पे रहती थी। तो हमने की सोचा चलो वहां पे घूम कर आते हैं। तो पहले मैं वीसा वाला उसमें नहीं जाऊंगी, लेकिन वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से मिला, क्योंकि हस्बैंड को मैं तब तक जॉब छोड़ चुकी थी, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, तो मेरे लिए उस टाइम वीसा मिल पाना बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज आई वॉज अ प्राइम कैंडिडेट की इमिग्रेशन के लिए कि मैं वापस नहीं आऊंगी। एंड तो इनफैक्ट पहले दिन उन्होंने वापस भी भेज दिया एम्बेसी वाले, अगले दिन बुला के दे जस्ट आस्क मी वन क्वेश्चन कि लव मैरिज है, एंड दे जस्ट गेव मी 10 साल के वीसा दे दिए। वो उस टाइम ऐसे नहीं देते थे, मतलब अ पर्सन विदाउट चिल्ड्रन एंड विदाउट अ जॉब एंड क्वालिफाइड ऐसे नहीं देते। तो वो भी गुरु जी का ब्लेसिंग थे, लेकिन वो हमने उस टाइम नहीं समझ पाए थे। लेकिन एज यूजल जैसे फ्लाइट तो दिल्ली से ही लेना था, तो दिल्ली आए तो फिर गुरुजी से मिलना ही था। तो हमने गुरुजी को नहीं बताए थे कि हम यूएसए जा रहे हैं, हम ऐसे नॉर्मल आए, आई थिंक इट वाज अ सैटरडे नाइट और संडे, मुझे वो याद नहीं है कौन सा, लेकिन संगत वाला डे में था। तो एम्पायर स्ट्रीट में जाके हमने जैसे बैठे, फिर रात को जब गुरुजी ने आज्ञा दी जाने के लिए, तो गुरुजी ने स्माइल करके बोला कल फुर, तो तब हमने स्माइल के बोला अच्छा तो इनको मालूम है कि कल हम लोग जा रहे हैं। तो बट एक्चुअली वो जस्ट गुरु जी से मिलने के 2-3 महीने बाद था, तो उतना पता नहीं था। अच्छा हमारे फ्रेंड जो ले गए थे, तो उसने एक चीज और अच्छा किया था कि हमें उस टाइम तो गुरु जी एम्पायर स्टेट में ही बैठे थे छोटे मंदिर में, और बड़ा मंदिर में से वही 4 फंक्शन के लिए हम लोग जाते थे, तो उसने हमें बड़ा मंदिर भी ले गया था। उस टाइम बिल्कुल मतलब वीरान सा था, मतलब बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं है, लगता था दिल्ली से पता नहीं कितने आगे, मतलब कहाँ जंगल जैसे जगह पहुंच गए। और उसने गुरुजी का, उसके पास एक स्वरूप था, तो उससे फोटो खींच के हमने छोटा छोटा पासपोर्ट साइज प्रिंट्स निकाल लिए थे। तो वैसे एक एक प्रिंट हमने अपना वॉलेट में डाल लिए थे एक एक करके।
और एक चीज भी था उस टाइम तक जो है, हमने अपना फैमिलीज को नहीं, एक्सेप्ट फॉर मेरी मम्मी को, उनको हमने बताया था। इनफैक्ट उनको मैंने, गुरुजी ने ये भी बताया थे कि 7 जुलाई को आना है, बर्थडे है, तो इनफैक्ट तब लगा था अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट। तो एनीवे हम गए थे, तो उस साल हंसराज हंस जी ने आए थे, तो उस वक्त मेरी मदर भी आई थी, तो मेरी मदर को मालूम था, मेरे सिस्टर्स को तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था, और मेरे इन-लॉज को भी कुछ नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में। तब यूएसए गए, तो उस टाइम तक मेरे हस्बैंड को बहुत सीवियर एस्मा प्रॉब्लम था। सो इनफैक्ट 2-3 बार उसके पहले इतना सीवियर अटैक हुआ था दिल्ली, और दिल्ली में आके ही ट्रिगर होता था, इसलिए हम दिल्ली में आने में डरते भी थे कि दिल्ली आए तो फिर ट्रिगर, डर डर के आते थे, गुरुजी के पास जाते थे और चले जाते थे। लेकिन उसके बाद कभी और वो अटैक नहीं हुआ दिल्ली में। तो हम यूएसए गए, तो यूएसए में जाके अगस्त सितंबर का महीना था उस वक्त, उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को फिर से वहां पे ऑल्बनी में वो एस्मा का वो ट्रिगर ऑफ हुआ, तो फिर से वहां पे हमें इमरजेंसी वो अर्जेंट केयर में जाना पड़ा, और फिर वही सारे चीजें। बट इट वॉजंट एज बैड एज दिल्ली में, तो ऑलमोस्ट मतलब टच एंड गो था, मतलब इमरजेंसी में वैसे मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही खराब था। तो वहां पे भी अर्जेंट केयर में जाके ही हैड टू बी गिवन इमरजेंसी मेडिसिन और नेबुलाइजर और ऑल दोस यूजुअल प्रोटोकॉल जो होता है। तो उसके बाद फिर हम डर गए, क्योंकि उसके बाद मेरी सिस्टर, उसने जस्ट जॉब शुरू की थी, तो उसने येलोस्टोन नेशनल पार्क बोलकर एक यूएसए में एक नेशनल पार्क है, वहां पे हमें फर्स्ट टाइम गए थे यूएसए, तो घूमने के लिए उसने सारे इंतजाम की थी, वो खुद भी जा रही थी। तो इट वॉज अ लॉट ऑफ मनी, इट वॉज एन एक्सपेंसिव ट्रिप, और उसने उस टाइम जस्ट जॉब शुरू की थी, तो इट वॉज मतलब मेहनत था काफी सारे, मतलब इट वॉज एक्सपेंसिव ऑल्सो, तो सारी की थी उसने। तो लेकिन उस टाइम जिस वीक हम जाने वाले थे, हम लोग 7 दिन के लिए जा रहे थे, तो वहां पे बहुत सीवियर वेदर, ब्लिजर्ड, स्नो स्टॉर्म्स, ये सब का वार्निंग था। अच्छा, इस ठंड में मेरे हस्बैंड को और ज्यादा ट्रिगर ऑफ हो जाता था एस्मा का। हमने सिस्टर को बोला कि आप नहीं जा सकते हैं, बिकॉज अभी ऑलरेडी एक बार अटैक हो चुका है, तो वहां पे जाके फिर से प्रॉब्लम होगा। तो उसने बोला देखो, मैंने बहुत मेहनत करके सारे प्लान बनाया है, तो चलते हैं, इट इज आफ्टर ऑल यूएसए, तो अगर ऐसे कुछ होगा तो वहां पे चॉपर से एयरलिफ्ट पे कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट मेडिकल इमरजेंसीज, दिस इज मतलब ऑल्दो वो थोड़ा सा मतलब हट के जगह है, और उतना मतलब बड़ा जगह के पास नहीं है, लेकिन डोंट वरी, वो जरूरत होगा तो एयरलिफ्ट हो जाए, हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने मना नहीं कर पाए, हम गए। तो लेकिन वो मैं क्या करती थी, रोज सुबह वो 7 दिन के लिए हम गए, तो वहां पे येलोस्टोन में जो है गाइजर्स, मतलब गीजर्स जिसको मतलब वहां पे अमेरिकन से गाइजर्स प्रोनाउंस करते हैं, बेसिकली हॉट वाटर स्प्रिंग्स जैसे, मतलब फाउंटेन्स जैसे, मतलब जैसे फुआरा जैसे निकलता है, तो अलग अलग शेप का, अलग अलग टाइम का, मतलब कुछ जैसे फाउंटेन्स हफ्ते में एक दिन होता है, कुछ 2 दिन में, कुछ 1.5 घंटे में, जो 1.5 घंटे में होता है उसका नाम था ओल्ड फेथफुल, एंड वहां पे और एक चीज होता है ग्रिजली बेयर्स बोलकर, ये सब देखने को मिलता है। तो हम जब गए तो वो इट्स अ वेरी बिग नेशनल पार्क, तो बहुत बड़ा है, तो 7 दिन में बिल्कुल अगर आप प्लान करके ना जाए तो देख पाना मुश्किल है। तो रोज सुबह मैं पूछती थी मेरे सिस्टर से, आज हम किस तरफ जा रहे हैं, और इनवेरिएबली उस तरफ जो है उस दिन वो ब्लिजर्ड्स और वो सब वेदर वार्निंग होता था, तो मैं उससे पूछती थी, और फिर मैं धीरे से अपना वॉलेट में गुरुजी का स्वरूप देखकर धीरे धीरे मन प्रे करके, गुरुजी आज आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्लीज वेदर सही रखिएगा। एंड मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब एवरी डे फॉर 6 डेज, हर रोज, अगर अभी ब्लू हो सकता है रोज ब्लू स्काई नहीं मिला है, कई दिन ब्लू मतलब बिल्कुल नीला आसमान मिला है, और एक भी जगह हमें स्नो स्टॉर्म या खराब वेदर बिल्कुल नहीं मिला है। नॉट ओनली दैट, कुछ कुछ जगह में वो गाइजर्स जो है, मतलब मान लीजिए वो अगले दिन होना था, हम उस दिन नहीं है, हम और कोई देखने जा रहा है, तो हम वो गाइजर क्रॉस करके जा रहा है जिसको अगले दिन इराप्ट होना था, जैसे हम उसके सामने पहुंचे वो इराप्ट कर, जैसे कि मतलब वो हमारे पैर से कोई बटन दब जा रहा हो, और अगल बगल लोग भी चौंक के खड़े रह रहे, ये तो कल होना था, और वो बिल्कुल
जो टाइम उन्होंने उसमें टाइम लिख के रखते हैं कि कल इतना टाइम में होगा, वो कभी भी इधर से उधर नहीं होता है। लेकिन हमारे साथ कई सारे गाइजर्स ऐसे हुआ कि वो उस दिन नहीं होना था या उस टाइम नहीं होना था और वो ऐसे इरप्ट किया, एंड वी हैड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रिप। और वो जो ग्रिजली बेयर्स जिसको बोलते हैं, तो वो भी देख पाना बहुत कम लोग देख पाते, बहुत फेरोशियस होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो नॉर्मली लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं। हमारे साथ तो ऐसे हुआ भी, ग्रिजली बेयर हमारे गाड़ी के सामने आके रोड क्रॉस करके एक बगल में बेंच में जाके बैठ के बैठा रहा। वो आधा घंटा तक बैठा रहा, हमने फोटो खींच खींच के, हम बोर हो गए, हम चले गए, वो नहीं कटा। मतलब गुरु जी, मतलब जैसे बड़े बड़े चीजें तो गुरु जी करते ही हैं, लेकिन गुरु जी जैसे हर छोटे छोटे चीज भी पूरी करते हैं। अब कमिंग टू द सेवेंथ डे, अब 6 दिन गुरु जी, मतलब जो वेदर का वार्निंग्स था गुरु जी ने, एक भी मतलब हर रोज हमें अच्छा वेदर मिला। सेवेंथ डे में जाके लालच आ गए मुझे, मैंने बोला गुरु जी आफ्टर ऑल इंडिया से गए हैं, तब तक मैंने स्नोफॉल नहीं देखा था, हल्का सा एक दिन स्नोफॉल जो बाद में मैंने, हमने कनाडा वगैरह पोस्टेड थे तो वहां पे तो इतने स्नोफॉल देखे, तो उसके हिसाब से जो पहाड़ में हम यहाँ पे उत्तराखंड में देखे तो वो हल्का सामने देखे थे जिसको फ्लरीज बोलते हैं। तो मैंने गुरु जी से मन ही मन प्रे किया, गुरु जी की आज थोड़ा सा स्नोफॉल देखने का, आज लास्ट डे है, आज तो मतलब थोड़ा सा स्नोफॉल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ता में नहीं भी निकल जाएंगे। एंड उस दिन संगत जी वी हैड स्नोफॉल, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक गुरु जी वॉज लाइक एवरी स्मॉल थिंग, इट वॉज लाइक अ मैजिशियन। इनफैक्ट मेरे सिस्टर को सिर्फ मालूम था कि हम कहीं जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मालूम आता, तो वो रोज मजाक, अच्छा वट एवर जिससे भी प्रे कर रहे हो, जो भी मैजिशियन हो, वट एवर यू हैव, वट एवर पावर समवन हैज, आज बोल देना कि हम इस रूट पे जा रहे हैं। तो इट वॉज लाइक दिस, मतलब अभी सोच के अगर देखे तो भगवान के अलावा और कौन, और कोई वेदर नहीं चेंज कर सकते इस वक्त, एंड दैट टू मतलब बिल्कुल अगेंस्ट ऑल वेदर वार्निंग। और जैसा हम चाह रहे, आज अगर हम इधर स्नोफॉल नहीं चाह रहे तो नहीं हो रहा है, जिधर हम जिस दिन हम चाह रहे उस दिन हो रहा है, एज इफ मतलब जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप प्लीज करते हैं, वैसे ही मतलब हम भी अपना मतलब बड़े बड़े मतलब लिस्ट तो थे, ऐसे छोटे छोटे चीज भी गुरु जी से बहुत सारी चीजें मांगे हैं, मतलब इतने छोटे छोटे चीजें मांगे हैं कि मतलब कभी शर्म भी लगता है, मतलब इनफैक्ट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, एंड गुरु जी ग्रांट्स मोस्ट ऑफ देम। इट्स नॉट दैट कि गुरु जी हर आपका हर ख्वाहिश या हर चाहत पूरे करेंगे, वो नहीं होता है, वो हमें बाद में समझ में आया कि वो नहीं होता है, और ये भी समझ में आया अगर नहीं होता है तो उसमें हमारा कुछ अच्छा ही लिखा हुआ है तभी नहीं होता है, या फिर वो होता है तो वो बाद में जाकर होता है जब गुरु जी को टाइम सही लगता है, नॉट जब हम चाहते हैं, कि हमें दीवार के पीछे नहीं मालूम क्या है, वो गुरु जी को मालूम है कि क्या है। तो ये यूएस ट्रिप में मैं सिर्फ और एक ही चीज और बताऊंगी, इसमें और नहीं जाऊंगी, कि फर्स्ट टाइम मतलब गुरु जी के पास जब एम्पायर स्टेट में जाते थे, वो जो कि जो फ्रेग्रेंस के बारे में पता लगा था, भर भर के आता था, मतलब गेट से उतर के जब पैदल जाते थे छोटे मंदिर, कई बार हमारे कपड़ों में रह जाता था, हम जब वापस जाते तो कपड़े ऐसे कुछ दिन निशॉल, स्पेशली विंटर्स में अगर जाते थे उसको हम शॉल्स वगैरह में गुरु जी का फ्रेग्रेंस रह जाता था, तो हम मतलब वो सुन मतलब बस मतलब हेवनली, इतनी अच्छे लगते हैं वो फ्रेग्रेंस। तो फर्स्ट टाइम उसी यूएस ट्रिप में हम तो वॉशिंगटन डीसी गए थे, वीक डेज में हम एक मॉल में गए, वीक डेज में मॉल बिल्कुल खाली, हम जैसे ही एस्केलेटर से ऊपर चढ़े, गुरु जी का एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, पहले हम डाउट किए, अगल बगल देखे कोई सेफोरा या फिर और कोई कॉस्मेटिक्स की शॉप अपने, ना कोई कॉस्मेटिक्स की शॉप, ना कोई और वहां पे आदमी या लेडीज कोई घूम रहे कि जिनका परफ्यूम हो सकता है, इट वॉज गुरु जी, एंड दिस ही हैज डन सो मेनी टाइम्स, मतलब गुरु जी चोला में जब थे तब भी और अभी भी, अभी भी मतलब एज रिसेंट एज कल बड़ा मंदिर में, मतलब पूरी शब्द मतलब वन होल शब्द पूरी गुरु जी, मतलब इतनी फ्रेग्रेंस थी, मतलब ये पिछले दो चार गुरु जी की कृपा, आई हैव बीन इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले, इट्स नॉट दैट मैं सत्संग करना चाह रही थी ऐसे कुछ, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो
ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे मन में गुरु जी दर्शन दीजिए, गुरु जी फ्रेग्रेंस, मतलब आई हैव ऑल दिस डिमांड्स कि गुरु जी फ्रेग्रेंस चाहिए, गुरु जी बहुत दिन हो गए सत्संग नहीं सुने हैं या नहीं. तो सडनली जब कल विक्रम अंकल का फोन आया, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ गुरु जी इज आंसरिंग ऑल योर प्रेयर्स. मतलब दो चार दिन पहले गुरु जी ने ड्रीम में भी दर्शन दिए. मतलब इट वॉज कि सिर्फ एश्योरेंस हम गुरु जी से मांग रहे थे कि गुरु जी आप हमारे साथ हैं. मतलब मुश्किल चीजें जिंदगी में अप्स डाउन चलता है, लेकिन जब तक गुरु जी साथ में है वो मालूम है कि वो निकल जाएगा टाइम. लेकिन कई बार थोड़ा सा मतलब लो लगता है कि गुरु जी प्लीज आप हैं. मतलब उस मतलब सही में बोले तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट आस्किंग फॉर प्रूफ, और गुरु जी प्रूफ देते रहते हैं. तो एनीवे तो वो हम फिर आ गए हैं वापस. गुरु जी ने और सारे बहुत सारे चीजें ऐसे ब्लेस किए मुझे डेंगू से और चीजें, लेकिन मैं गुरु जी का चोला में रहते हुए एक और मेरे सत्संग शेयर करना चाहूंगी, जिसमें जैसे गुरु जी बोलता था कि मतलब गुरु जी को बोलने की जरूरत है, वो आपका सुनते हैं आपका. और हमें जो मैं कह रही थी, हमें नहीं मालूम वो हमारे कितने सारे चीजें हमने मांग के लिए हैं, कितने सारे कुछ कुछ चीजें उन्होंने हो सकता है बोल कर दिए हैं, और कितने सारे चीजें उन्होंने बिना बोलकर हमें और हम बिना समझे उन्होंने दिए हैं. इसमें एक छोटा सा मतलब है छोटा सा चीज, लेकिन अगर आप सोचे तो बहुत बड़ी चीज है कि मतलब गुरु जी कितने हर चीज के लिए आप हमारे साथ में है. उस टाइम हम फिर से तब इनफैक्ट गुरु जी हमें बोलते थे कि दिल्ली पोस्टिंग लेकर आ जा, दिल्ली डेपुटेशन में आ जा. तब हमें समझ में नहीं आता था, हम अपना बुद्धि लगाते थे कि अभी तो हमें स्टेट में ये करना है, ये पोस्टिंग करना है, वो पोस्टिंग करना है. और फिर गुरु जी बोलते थे अच्छा तू अप्लाई तो कर. तो वो हम लोग फिर हमने बोला कि उन्होंने इनफैक्ट एक अंकल से इंट्रोड्यूस भी कर दिए थे कि इसको अपने पास ले आना. वहां वो सत्संग और एक है, और एक दिन मैं बताऊंगी. मतलब लेकिन गुरु जी के चोला में रहते हुए हमने उनका बात नहीं माना था. वी डिडंट कम ऑन डेपुटेशन टू दिल्ली. वो हमने गुरु जी चोला छोड़ने के बाद किए, ऑलमोस्ट एज अ रिपेंटेंस के हमें करना चाहिए था बोलकर. और वो हमने जैसे अप्लाई किए थे, मतलब वो इतने फास्ट हो गया था डेपुटेशन दिल्ली में, एज इफ मतलब फाइल्स वर क्लियर्ड लाइक इन रिकॉर्ड स्पीड. और हम पहुंच गए और हम पहुंचे वहीं पे जिस अंकल को उन्होंने बोले थे कि आपने पास बुला ले. हमें नहीं मालूम था कि वो अंकल, वो सीनियर ऑफिसर जो है वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमको नहीं मालूम था. और मेरे हस्बैंड अंकल भी भूल गए थे इस अंकल को, और वो अंकल भी मेरे अंकल को भूल गए थे. बट व्हेन माय हस्बैंड वेंट टू कॉल ऑन हिम एज अ सीनियर ऑफिसर, उनकी रूम से इतनी फ्रेग्रेंस आई. तो उन्होंने एक दूसरे से पूछते रहे कि हम कहीं मिले हैं, कहीं मिले हैं. बाद में मैंने बोला कि ये गुरुजी ने आप दोनों को मिलवाए थे छोटे मंदिर में, दोनों ही भूल गए थे. तो गुरुजी जब एक बार ब्लेस कर देते मतलब दिस प्रॉब्ली उन्होंने साढ़े चार साल पहले बताए थे कि इनको अपने पास बुला लेना, और हमने उस टाइम बात नहीं माने और अंकल भी भूल गए, मैं भी भूल गई. एनीवे तो हम दिल्ली के बाहर पोस्टेड थे. हमारे पास तब एक छोटा सा जर्मन शेपर्ड था, वो 2-2.5 महीने के था. तो उतने छोटे डॉग्स को वैक्सीनेशन नहीं होता है. तो हम उसके साथ वो पीछे गार्डन में खेल रहे थे. तो खेलते खेलते उसका दांत प्लेफुली मेरे अंकल के पैर में लग गया. तो मुश्किल से एक बूंद ब्लड निकला होगा. बट ही इज वेरी फसी कि नहीं नहीं ये वैक्सीनेटेड नहीं है. तो एंटी टेटनस और रेबीज का सारे इंजेक्शन लगा के फिर अगले दिन हमें दिल्ली आना था, हम दिल्ली आ गए. अच्छा एंटी टेटनस इंजेक्शन जैसे होता है वो तो मतलब हम सब बड़े छोटे सबको लगता ही है, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी लगाते हैं. और उसके बाद एक दो दिन उसमें हाथ में दर्द होता है. तो मतलब मेरे हस्बैंड जो है पूरे रास्ता ही बस कंप्लेनिंग. वाइल्ड हम दिल्ली में आके कोई ना कोई फ्रेंड का के घर में रुकते थे, उन्हीं के गाड़ी बोरो करके ले जाते थे एम्पायर स्टेट. तो दैट आल्सो यूज्ड टू बी एन इशू कि कहाँ पे जाके रुके, कभी गेस्ट हाउस, कभी होटल, कभी कोई फ्रेंड के घर. और फाइनली जो है गुरु जी ने ब्लेस किए थे, मतलब हम नहीं जानते थे सबीना आंटी अंतरुण अंकल को, उन्होंने ही हमें ऑफर किया नहीं तू हमारे घर में आके रुकना. और फिर बाद में हम उनके घर में जाके रुकते थे. तो फिलहाल हम और एक फ्रेंड के घर में रुके थे. तो उसकी गाड़ी लेकर हम जा रहे थे. तो होल ऑल द वे टू एम्पायर स्टेट माय हस्बैंड वाज कंप्लेनिंग कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मुझे ड्राइव करने में दिक्कत हो रहा है, एंड ऑल पूरे रास्ता बोलते रहे. तो वहां पे जाके ऑफकोर्स
अच्छा ये भी एक थी कि वहां पे मतलब हम चाहे जितने भी लंबी लिस्ट हम लेकर आते हैं, गुरु जी के वहां पहुंच के ना वो सारे भूल जाते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, वो भूल जाते हैं क्योंकि वहां पे जाके हर चीज इतना छोटे लगते हैं कि मतलब वो गुरु जी को देखकर उनका स्माइल और उन्हें चाहे जो भी दो शब्द आपसे बात करें, मतलब इट वॉज लाइक सच अ हाई, इट वॉज लाइक रिचार्जिंग अपना बैटरीज को रिचार्ज करना। तो हम वहां पहुंच के लंगर करके तो गुरु जी का हमारे पास ऊपर ये कृपा थी कि गुरु जी हमें जब भी हम आते थे गुरु जी हमें काफी देर रात तक, मतलब जब लंगर करने के बाद ज्यादातर लोग चले जाते हैं ऐसे ही 10-15-20 लोग बैठे थे और कम लोग रात को बैठा के रखते थे, फिर से लंगर, फिर से हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद। कभी मौर्य शेरेटन में मुझे याद है वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, चल वैलेंटाइन डे मनाते थे, हम वैलेंटाइंस डे मनाने गए थे। तो ऐसे हम रात को जाके लंगर करके हम ऐसे साइड में बैठे हुए थे एंड गुरु जी अपना गद्दी में बैठे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम्हारा कौन सा हाथ में दर्द है, तो उन्होंने ऐसे करके अपना राइट हैंड के अपर आर्म में ऐसे करके देखे, यहाँ पे है नहीं, अब तो दर्द नहीं है। तो मैंने बोला गुरु जी को देखो, हमने देखा गुरु जी और कोई आज्ञा ले रही, इज नॉट इवन लुकिंग एट अस, लेकिन गुरु जी एग्जैक्टली राइट आर्म अपर आर्म में उसी स्पॉट में जहां पे अंकल को दर्द हो रहा था, पूरे रास्ता अंकल कंप्लेन कर रहे थे, उसी स्पॉट में हाथ को रब कर करके, जैसे कि मतलब अगर दर्द हो रहा हो इंजेक्शन के बाद ऐसे आप उंगली से रब करते हैं हमको, वैसे कर रहे थे। मतलब इतनी छोटी सी चीज है इंजेक्शन का दर्द, वो भी गुरु जी अपने ऊपर ले लेते थे, और बड़े बड़े चीजों तो कर है ही है। तो मतलब गुरु जी वॉज सो लविंग एंड इतनी केयरिंग है कि मतलब इतना छोटे छोटे चीज भी उन्होंने हमारा मतलब ध्यान रखते थे। उसके बाद गुरु जी चोला छोड़ दिए, तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ मतलब आपके जमीन के नीचे, मतलब आपके पैर के नीचे से भी जमीन हट गया, आपके ऊपर से मतलब वो जो मतलब हम तो सोचते थे कि मतलब गुरुजी अभी ही वॉज यंग, तो अभी होंगे हमारे बच्चे, मतलब वी विल बी ओल्ड, वी विल बी कमिंग विद आर किड्स, उनके बच्चे, मतलब इस टाइप का भी सोचते थे। तो लेकिन गुरुजी इतना जल्दी और इतने शॉकिंग थे, तो जब गुरुजी वो पता लगा और हम सब भाग के दिल्ली आए एंड वो मतलब दोज दैट डे वो जो बड़े मंदिर में मतलब दैट इज मतलब आई थिंक सारे पुराने संगत के लिए मतलब उससे खराब दिन जिंदगी में शायद और कभी नहीं हुआ था, मतलब जब वो सब क्रमेशन हुआ मतलब। लेकिन गुरुजी उसके बाद शुरू में हमें ऑनेस्टली संगत जी आई वुड से, जब मैं आ रही थी दिल्ली, जब पता लगा गुरुजी और नहीं है चोला में, तब लगा ओ माय गॉड अब क्या होगा, अब फिर नया गुरु ढूंढना पड़ेगा। जबकि मैं ये भी बता रही हूँ आपको कि मैं तब तक जब भी कोई भी मंदिर जाओ, चाहे वो कोई या दुर्गा पूजा में जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब हर जगह मैं जाके गुरु जी का चेहरा देखती थी एंड मैं प्रे भी, मतलब अगर दुर्गा पूजा में तो मैं जाके प्रे गुरु जी बोलकर ही प्रे करती थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब गुरु जी चोला छोड़ दिए, ये भी दिमाग में आया, मतलब गुरु जी माफ करके हमें अपने शर्ट में रखे, मतलब ये भी ओ माय गॉड फिर से और एक गुरु ढूंढना पड़ेगा, फिर मतलब अब क्या होगा, अब तक तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है ना। तो लेकिन फिर गुरु जी ने हमारा फेथ को फिर से रीबिल्ड करने के लिए मतलब इतने सारे चीजें चमत्कार जो अभी हम और नहीं ढूंढते हैं, जो मैं इनफैक्ट कई सारे नए संगत को बोलती हूँ कि आप ये मत ढूंढिए कि कहाँ पे रोटी प्रसाद में ओम आ रहा है या फिर आपका चाय प्रसाद के ऊपर ओम आ रहा है या फिर दीवार पे आ रहा है और कहीं आ रहा है, गुरु जी इज देयर, यू डोंट नीड टू लुक फॉर दिस प्रूफ, गुरु जी इज जस्ट देयर। मतलब वो क्योंकि गुरु जी जैसे बोलते कि वो चोला में मैं नहीं हूं, मैं आई एम देयर इन साइड, गुरु जी बोले हैं गुरु जी। इनफैक्ट हाँ मैं और एक चीज बोलूंगी, गुरु जी के चोला में रहते हुए दिस वॉज क्लोजेस्ट टू वॉट गुरु जी हैड सेड टू इन फ्रंट ऑफ मी, कि गुरु जी खुद साक्षात भगवान है। दिस वॉज इन अप्रैल 2007, मेरे अंकल नहीं आ पाए थे उस टाइम, इलेक्शन वगैरह चल रहा था तो उनको छुट्टी नहीं मिली थी, मैं आई थी। अच्छा मैं जब आती थी, ये और एक चीज है, सो हम जब भी आते थे गुरु जी आके हम सब बात करते थे एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन मैं जब भी अकेले आती थी गुरु जी मेरे तरफ बोलते अच्छा कौन है तू, क्यों आई है, आई यूज टू फील वेरी मतलब ये क्या मतलब
मेल शोविनिस्ट वाला ये है कि मतलब अंकल साथ में होंगे तो मतलब तब ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू, और अगर मैं अकेले आई हूँ तो एवरी टाइम हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं स्वयं से की वाइफ हूँ. बाद में मुझे पता लगा दैट वॉज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग अंकल बिकॉज आई वॉज टेकिंग हिज नेम कि मैं इनकी वाइफ हूँ. तो बोला अच्छा क्यों आई है, और तो मतलब he would also listen to all those chota chota problems also, so he was basically blessing him. Lekin main apna wo jo normal ego hai ki mujhe kyun nahi pehchan rahe guru ji, jab hum dono aate tab to pehchante, tab to he calls us by name, jab main akela aati tab kyun nahi. In fact ek bar aise I thi main akele, us time kuch problems chal raha tha jahan pe husband posted the, to in fact unhone bola ki tum jao aur matlab वही बैटरी रिचार्ज वाला फंडा. तो हम आए तो गुरुजी ने मुझे एक छोटा सा गुरुजी के स्वरूप लॉकेट दिया, एक छोटा सा लाल बैग में. तो और फिर उस दिन मैं ये तो खैर नहीं मालूम था कि गुरुजी इतना जल्दी चले जाएंगे, पता नहीं वो जो हमारे पास छोटा छोटा स्वरूप थे गुरुजी के, वो पासपोर्ट साइज फोटोज, वो क्या सोच के मैंने गुरुजी से दो पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे गुरुजी से गुरुजी साइन भी करके दिए उस दिन, और फिर उन्होंने लॉकेट दे. तो तब मैंने बोला कि गुरुजी वो अंकल के लिए भी एक लॉकेट, तब तो अंकल भी नहीं बोलती थी ऐसे नाम से ही बोलती थी. तो गुरुजी ने बोला ये अंकल के लिए है, ये उसको देना है. आई थॉट इट वॉज फॉर मी. तो वो लॉकेट और वो साइन किया हुआ गुरुजी का स्वरूप, मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द ओम एंड द लोटा जो गुरुजी ने ब्लेस किए थे अपने हाथ से, तो those are मतलब हमारा prized possessions. Actually गुरुजी आई थिंक, तो मैं दूसरी चीज बोल रही थी लेकिन उसके पहले मुझे फिर लोटा से ये याद आ गया. तो गुरुजी ने एक बार हमें लोटा लेकर आने के लिए बोला ब्लेस करने के लिए. तो फर्स्ट टाइम जब मैं लेकर आई, फर्स्ट टाइम इसलिए क्योंकि हमें नहीं मालूम, मैं वो लोटा लेकर आई और गुरुजी ने ब्लेस किया, नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछा. तो आई एम ओल्डर देन माई हस्बैंड, तो उन्होंने बोला अच्छा तू बड़ी है. फिर पूरा संगत के तरफ देखकर मतलब जोर से अनाउंस किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बड़े है कौन छोटे है, ये मतलब सो ये खैर उस टाइम इट वॉज अ बिग थिंग. अभी तो खैर बहुत सारे होते, तो मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि ये गुरु जी का खुद का बोले हुए चीज है कि मतलब एज डज नॉट मैटर. तो उन्होंने वो ब्लेस किया लोटा. अच्छा उस टाइम लोटा हम ब्लेस करके ले गए, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि उसमें डिटर्जेंट लगा के साफ नहीं करना होता है. और जैसे उस टाइम थे तो घर में सर्वेंट्स वगैरह भी होते थे, तो मैं तो कई बार उनसे भी धुला था अच्छे से, विम वगैरह से मतलब अच्छे से शाइन करा के, मतलब रोज वो लोटा ब्लेस करके. हम दोनों को एक ही लोटा दिए थे, दोनों लोग शेयर कर ले. तो फिर एक बार वो सबीना आंटी के घर में रुके थे, सबीना ने बताया कि लोटा को मालूम है ना ऐसे नहीं करना होता था, हमें नहीं मालूम था. तो फिर हमने गुरुजी को मैंने जाके बोला गुरुजी हमने तो उसमें डिटर, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं फिर एक और एक ले आना. तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं लेकर आई. सो दैट टाइम गुरुजी वाज सो थ्रिल टू सी दैट लोटा कि मतलब वो तांबे वाला जो है मतलब बोला ये बहुत बढ़िया है, चमचमा कहाँ से लाए हैं. तो मैंने बताया कहाँ जहां पे हम पोस्टेड थे वहां पे लाए लाए थे उसे. फिर उस बार गुरुजी ने ना नाम पूछा ना डेट ऑफ बर्थ पूछा, सिर्फ ऐसे ऐसे देखे और दे दिए. मैंने बोला अरे इस बार तो ठीक से ब्लेस नहीं किए, हमें क्या मालूम कि मतलब लोटा भी एक से बहाना है हमें, मतलब हमारा हमें तसल्ली देने के लिए गुरुजी को तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना हमारा डेट ऑफ बर्थ ना नाम पूछने की, उनको तो सब मालूम है. ही इज अ क्रिएटर, ही नोज एवरीथिंग, वी डोंट नीड टू टेल हिम एनीथिंग. लेकिन हमें तब लगता था, गुरुजी ये भी बोलते थे कि पत्थर मत पढ़ना, डोंट गो टू एस्ट्रोलॉजर्स. मेरे सामने कई बार बोले आंटीज को, कई सारे आंटीज को कि ये पत्थर नहीं पढ़ना, मतलब ये वो उनका नॉलेज पूरा नहीं है, वो हाफ बेक नॉलेज देकर आपको पत्थर जो स्टोन्स ब्लेस कर रहे नहीं पहनने के लिए, गुरुजी ने कई बार बोला मेरे सामने. तो एनीवे तो फिर क्या कह रही थी, हाँ तो वो कह रही थी. तो मैं अप्रैल में आई थी, तो सब लोग चले जाने के बाद गुरुजी जैसे चोला चेंज करके, ही वॉज वेयरिंग अ व्हाइट ट्राउजर एंड अ सॉफ्ट पिंक टी शर्ट, इतने ब्यूटिफुल पिंक. इनफैक्ट
और कोई अंकल को मैं इतने ब्यूटीफुल, आजकल तब भी दिखता, उस टाइम तो नहीं दिखता था, इतने ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड ही कैरीड इट ऑफ सो वेल। तो ऐसे लेकर गुरुजी आके फर्श पे बैठे, दीवार पे टेक लगा के, गुरुजी से मुश्किल से मैं दो हाथ दूर बैठी हुई थी और एक अंकल आके अपना शायद लोटा ब्लेस करवाते गुरुजी से। तो गुरुजी वाज मेकिंग कुछ कुछ, उस टाइम इलेक्शंस वगैरह हो रहा था, उसके लिए बोल रहे थे अच्छा ये आएगा, वो चीफ मिनिस्टर होंगे, ये होंगे, तो ऑल दोस थिंग्स मैं सुन रही हूँ, किसी को और ब्लेस कर ले कि तू उधर चले जा, तू ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। देन वो जो लोटा ब्लेस कर रहे थे जिस अंकल को, उन्होंने उनको ब्लेस करते हुए बोला कि रब नू, मैं पंजाबी बोलने कोशिश करूंगी लेकिन मैं पंजाबी बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू से। तो उन्होंने ये बोला, रब नू यहाँ बैठा है, इनानू फायदा उठा। तो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टूड की मतलब भगवान इधर बैठे, आप इनकी मतलब ब्लेसिंग्स लो, आप इनकी मतलब गुरुजी जिस चीज के लिए आए थे हमारे बीच में, जो ब्लेसिंग देने के लिए, वो ब्लेसिंग्स हम इधर उधर छोटे चीजें मांग के हम उसको ऑफकोर्स वी हैव स्कॉन्डर्ड इट ऑफ, मतलब जो असली चीज वो ना मांग के। तो लेकिन वो गुरुजी ने मेरे सामने खुद बोले थे, बाद में मैंने रियलाइज किया माय गॉड, मतलब गुरुजी तो मतलब इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से और कैसे बोल सकते हैं कि मतलब गुरुजी भगवान है, कि रब में यहाँ बैठा है, इनानू फायदा उठा। और गुरुजी का जैसे ब्लेस करने का बहुत तरीका था, जब तो मैं बंगाली हूँ, हिंदी में दिल्ली में आके जॉब जब कर रही थी तब सीखना, उसके पहले मुझे एक शब्द हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन शब्द मैं, मुझे जैसे गुरुजी बस, कई लोग अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं, मैं कनेक्टेड होती हूँ गुरुजी से शब्द के थ्रू। आज जैसे था तो मेरा दादा, मतलब वो सब शब्द सुनकर, मैं वो शब्द सुन सुनकर काफी पंजाबी अभी समझ जाती हूँ, मतलब सिर्फ शब्द सुन सुनकर, मतलब वो मैं कई लोगों से मैं पूछती रहती मीनिंग, आजकल तो इंटरनेट से, उस टाइम तो ना शब्द हमारे पास होता था। गुरुजी चोला छोड़ने के बाद हमने पुराने जो संगत में थे, सिंगला अंकल वगैरह, उन लोगों से रिक्वेस्ट करके सीडी में हमने रिकॉर्ड करवा के ले जाते थे कि एटलीस्ट कम से कम गुरुजी नहीं है तो ये शब्द ही सुन सकते हैं। उस टाइम ना यूट्यूब था, ना इंटरनेट वॉज वेरी पैची, ये सब नहीं था हमारे पास उस टाइम। तो गुरुजी ने ये गुरुजी के चोला के, उसके बाद गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद जब उसमें क्रिमेशन में तो हम आए थे, लेकिन उसके बाद जब डुगरी गांव में गुरुजी का वो उनके फैमिली जब भोग वगैरह जैसे नॉर्मली हम करते इंसान के लिए उन्होंने करना चाहे, तो उसके लिए संगत जो है डुगरी गए थे। इट वॉज हॉट, जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। तो सिंस मेरे हस्बैंड जस्ट उसके मतलब 10 दिन पहले ही आए थे दिल्ली 31st को, तो फिर दोबारा वो डुगरी जाने के लिए नहीं आ पाए, तो मैं आई थी। तो मैं आके फिर से वो सबिना आंटी के घर में रुकी थी, तो सबिना आंटी वॉज गोइंग विथ हर होल फैमिली, तो आई वेंट विथ हर ब्रदर इन लॉ वरुण अंकल, करुण अंकल के ब्रदर से, तो ही वॉज गोइंग अलोन, तो मैं उनके साथ गई। अच्छा, वरुण से भी मेरी अच्छी सी काफी बात बात पहले भी होती थी, क्योंकि देयर वाज अ जॉइंट फैमिली, उन सेम घर में रहते थे, तो मतलब इनफैक्ट जब से हम उनके घर में आके दिल्ली में रुकते थे तो गुरुजी ज्यादा देर रात तक रुकवाते नहीं थे, क्योंकि दिन भर इतने हम सत्संग सुनते थे उन लोगों से, और इतनी अमेजिंग अमेजिंग सत्संग बोथ वरुण अंकल एंड सबिना आंटी का, मतलब और हर बार मुझे कुछ ना कुछ मैसेज मिलता था उसलिए, मतलब गुरुजी जैसे बोलते, मुझे नहीं मालूम किस सत्संग से, मेरे सत्संग से और किसी को कोई मैसेज मिलना, वो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की इच्छा, लेकिन मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते थे अपने क्वेश्चंस की। तो वरुण अंकल के साथ मैं जा रही थी गाड़ी में। अच्छा, तब तक वी डिडंट हैव अ चाइल्ड, तो मैं हमेशा इनफैक्ट वो मैंने कहा आंटी बोलती गुरुजी इसके बच्चे का नाम रख दो, तो गुरुजी स्माइल करते थे, तो हम तो सोचते थे गुरुजी होंगे, तो जब बच्चे होंगे तो गुरुजी से नाम पूछ लेंगे, ये तो मालूम नहीं था कि मतलब नहीं होना, मतलब द चाइल्ड विल कम आफ्टर गुरुजी चोला छोड़ने के बाद, ये नहीं मालूम था। तो ऐसे गाड़ी में जा रहे, तो आई ट्राई टू टॉक अ बिट वरुण अंकल, तो वरुण अंकल बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे उस दिन, तो मुझे नहीं समझ में आया क्यों नहीं बात कर रहे। मैंने सोचा कि हो सकता है मेरे ड्राइवर थे, वरुण अंकल थे, मैं थी गाड़ी में, तो मैं चुपचाप थी, तो अपने मन में सोच रही। तो मेरा ये था हमेशा कि मतलब ये सोचते थे कि गुरुजी से पूछेंगे बच्चे के नाम,
तो मैंने मन ही मन सोच रही हूँ, गुरु जी आप तो, नाम तो आपसे पूछा नहीं, आप तो आप चले गए, आप सब लोग बोलते हैं कि आप शिव जी के अवतार हो, तो आप लड़का होगा तो शिव जी का अवतार, मतलब वो शिव महेश ये सब नाम मुझे नहीं पसंद है, तो फिर मैं क्या नाम रखूं, मतलब ये सारे नाम मुझे एक भी पसंद नहीं। अगर आपको आपका रियल लाइफ नाम मालूम होता कि आप, मतलब मुझे गुरु, हम किसी को गुरु जी के बारे में नाम नहीं मालूम था, ना हमें दूसरे संगत के नाम मालूम होता था, ना हम उस समय कोई नेटवर्किंग नहीं होता था कुछ, एक दूसरे का सिर्फ चेहरा से हम जानते थे, किसी का नाम नहीं जानते थे, तो आपका नाम भी नहीं जानती हूँ तो मैं कैसे, मतलब क्या ना, अगर नाम जानते थे तो वही नाम रख लेती। सडनली वरुण अंकल टर्न्स एंड सेज, आपको गुरु जी का नाम मालूम है ना? तो आई सेड नहीं, एंड देन ही टोल्ड मी गुरु जीज नेम, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स उन्होंने इतने सत्संग शेयर किया गुरु जी के बचपन को, उस टाइम में फर्स्ट टाइम सुना, अभी तो खैर आप सब लोग ये यूट्यूब जूम सत्संग सब लोग जानते हैं, उस टाइम हम कुछ नहीं जानते थे, मतलब जो उस टाइम एम्पायर में गुरु जी ने जितने सत्संग जिनसे सुनवाए अदरवाइज हम नहीं जानते थे, बहुत सारे सत्संग सुने। तो अब वो वापस जब मैं डुबरी से आके, फिर जब मैं हस्बैंड जो बाहर पोस्टेड थे, मैं जब वापस आके जब वहां पर जाता वक्त, आई वॉज नरेटिंग ऑल दिस सत्संग टू माई हस्बैंड हु वॉज पोस्टेड इन अ प्लेस नियर अलाहाबाद दैट टाइम। तो उन्होंने अपना ऑफिस में बैठे हुए थे शाम के वक्त, शाम को कैंप ऑफिस बोलकर होते हैं, वहां पे बैठे हुए थे और कोई उस कमरे में नहीं थे, देयर वाज जस्ट वन एक ग्लास पानी, ये गुरु जी का भोग वाले दिन की बात कर रही मैं। उस दिन मैं रात को जब मैं वो सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मतलब वो पानी के ग्लासों पानी से गुरु जी का इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, सो मुश्किल से आई थिंक 11 डे हुआ होगा आपको, मतलब गुरु जी हैड स्टार्टेड प्रूविंग टू अस राइट देन कि गुरु जी हमारे साथ हैं। इसके बाद गुरु जी ने बड़े मंदिर में बहुत सारे ऐसे छोटे, मतलब जब हम दोबारा सब जाना शुरू किए, पुराने संगत शुरू में 30-40-50 लोग ही जाते थे, क्योंकि सबके ऑल ऑफ अस वर इन शॉक, सबके फिर मतलब ये लगता था कि गुरु जी अभी नहीं है तो मंदिर जाके क्या करना है, लेकिन गुरु जी बड़े मंदिर में इतने सारे चमत्कार, मतलब वो शिवलिंग के ऊपर ऊपर बड़े मंदिर के ऊपर, मतलब वो अचानक गीला हो जाना, कोई बारिश नहीं है कुछ नहीं, ऐसे 2-3 बार हो जाना, हम कभी सेवा करके ऐसे बैठे हैं मतलब और ऐसे हो जाना, या फिर अचानक झूला के पीछे गुरु जी का स्वरूप आ जाना, इस टाइप का इस तरह कर करके मतलब गुरु जी मतलब वो फेथ फिर से रिबिल्ड हो गया और फिर डाउट नहीं रहा। फिर एक आंटी का जैसे मतलब से वो चाय प्रसाद, जब सिर्फ चाय प्रसाद ही पी सकती थी, अदरवाइज वो मंदिर के बाहर चाय नहीं पी सकती थी, तो उनको तब भी वही होता था कि वो बाहर नहीं चाय पीते, बड़े मंदिर में चाय प्रसाद पी पा रही थी। तो ये सारे कर करके जैसे गुरु जी हमें फिर से वापस अपना फोल्ड में डाल लिए, तो मतलब मतलब तो फिर मैं कितने सारी चीजें क्या बना, तो आई विल जस्ट से वन स्मॉल थिंग क्विकली इन 2 मिनट्स कि ये 2008 दिसंबर की बात है। तो हम बड़े मंदिर गए थे दिसंबर की छुट्टी में, हम एलटी से लेकर गैंगटॉक जाने वाले थे, तो उस टाइम अंकल को जो है हर स्वरूप में मंदिर में दिखाई दे रहे कि गुरु जी की चारों ओर गुरु जी इज क्राइंग इन ऑल द स्वरूप, हर स्वरूप में गुरु जी रो रहे, मतलब इवन जो वो जरबेरा वाला पिंक वाला फ्लावर्स लेकर जो गुरु जी का एक स्वरूप है जिसमें गुरु जी बहुत जोर से हंस रहे, इवन उसमें भी गुरु जी रो रहे हैं। तो अंकल ने बोला कि ऐसे करते, तब तक मैं तो ऑफकोर्स जॉब छोड़ चुकी थी, तो अंकल ने बोला कि ऐसे करते हैं कि मैं अपना एक लाइफ इंश्योरेंस, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो लेट मी एक लाइफ इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, लग रहा है कि सब गुरु जी इज क्राइंग इन ऑल द स्वरूप। तो एनीवे तो हम ये सब ऐसे ही हुआ, तो फिर हम गैंगटॉक गए, गैंगटॉक में जाके हमें गैंगटॉक से ऊपर जाके वो आई थिंक द नेम इज लिपू लेक, मैं भूल जा, लिपू लेक है जहाँ पे वो बेसिकली इंडो चाइना बॉर्डर है, तो वहां पे लोग जाते थे वो लेक क्रॉस करके एकदम बॉर्डर, वो चाइना का वो सोल्जर वहां पे उस तरफ खड़े होंगे और आप इधर से देखेंगे, तो उस टाइम लगता था, मतलब इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रिप। तो वो 1-1.5 घंटे का था, तो हमें वापस आके हमारा बैचमेट था गैंगटॉक में पोस्टेड, उसके घर में लंच था, तो हम सुबह निकले ऐसे 10 बजे कि करके आके वापस उसके घर में, नहीं वापस गैंगटॉक में आके कहीं लाचा डिनर उसके घर में था। तो हम जाते वक्त फिर स्नोफॉल शुरू हो गया, वी वर वेरी थ्रिल्ड कि अरे बहुत मजा आ रहा है,
बट इट वॉज नॉट अ स्नोफॉल, वो बिल्कुल स्नो ब्लिजर्ड था, मतलब स्नो स्टॉर्म हुआ और इतने हुआ और वहां पे उसके बाद वो आर्मी ट्रक्स उसके ऊपर चल गए, तो वो स्नो बिल्कुल कॉम्पैक्ट होकर आइस बन गया। तो हम वो सारे चाइनीज सोल्जर वोल्जर वो सब देख के लेक लेक करके जब वापस आ रहे तब मतलब कोई व्हीकल नहीं मूव कर रहा है क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ हो गया, मतलब स्लिपरी आइस, तो कोई गाड़ी नहीं चल पा रहे, वो स्किड ऑफ कर, जैसे हमारी गाड़ी चल रही थी क्योंकि हमारा वो जिप्सी था जिसमें फोर व्हील ड्राइव था और एक आर्मी का एक आध ऐसे ही जिप्सी या जीप, और वो आर्मी का ट्रक्स जो चल रहा था वो कॉम्पैक्ट करके चला गया था। तो हम चल रहे थे ऐसे, तो स्किड कर रहा है गाड़ी, तो बीच में एक जगह में लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, तो हस्बैंड उतर गए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी उतर जाओ, ये बहुत खतरनाक मोड़ लग रहा है, मुझे डाउट है कि गाड़ी घूम पाएगी, मतलब इट वाज अ वेरी सेल्फिश थॉट, हमने सोचा अपने जान तो बचा ले, मतलब गाड़ी और ड्राइवर, मतलब वी आर स्टिल सेल्फिश कि हमने सोचा कि चलो एटलीस्ट हम तो बच जाएंगे, बोलकर हम दोनों गाड़ी पे उतर गए। अच्छा, गाड़ी से जैसे ही उतर के मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ धीरे से चलना, बहुत स्लिपरी है, एंड नेक्स्ट सेकेंड मैं स्लिप करके गिर गई, हाथ में बहुत जोर से लगा। तो उस टाइम तुरंत हमने रियलाइज किया कि हमने ये बहुत गलत सोचा, कि मतलब ये हमने कैसे सोच लिया कि ड्राइवर का लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लाइफ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के हस्बैंड उतर के, क्योंकि वो डायरेक्शन अगर ना दे तो वो ड्राइवर भी नहीं, क्योंकि ब्रेक भी अगर आप लगा रहे हो तो गाड़ी स्किड ऑफ कर जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर बेंड था एकदम हेयर पिन बेंड, वहां पे मतलब गाड़ी बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं जा, मतलब सारे मतलब जितने टूरिस्ट थे सब लोग ऐसे ही सड़क में रुक गए उतने ठंड में माइनस टेम्परेचर्स, क्योंकि गाड़ी चल नहीं पा रही, सब हम लोग का जैसे मैंने बताया एक दो गाड़ी। तो वो हमारे मैं फिर हस्बैंड ने बोला नहीं तुम गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में बैठी एंड फिर हम वो क्रॉस कर रहे, मेरे हस्बैंड वो डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे, सडनली एक पर्सन आ गए उस मोड पे आउट ऑफ नोवेयर, उन्होंने आके डायरेक्शन दिए, हमारे गाड़ी आराम से मुड़ गए एंड आफ्टर दैट हम चल, और फिर वो वैनिश कर गए, वो कहाँ से आए कहाँ चले गए हमें कुछ नहीं मालूम, मतलब बाद में हमें समझ में आया कि वो गुरुजी थे हमें रास्ता दिखाने के लिए। और मेरे पूरे रास्ता हाथ में बहुत दर्द था, लेकिन ठंड में इट वॉज नेगेटिव टेम्परेचर, इतनी ठंड थी। फिर हम गैंगटॉक हॉस्पिटल पहुंच के, जैसे ही रात को जो हम लंच करने के लिए गैंगटॉक पहुंचे बड़े, तो हम पहुंचे गैंगटॉक फाइनली रात को 10:30-11 बजे। वहां पे जनरल हॉस्पिटल जाके हाथ दिखाया तो उन्होंने बोला फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने बोला कि आंटी आप दिल्ली जाके, अब दिल्ली जाके दूसरा डॉक्टर दिखाना। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि कोई डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप दूसरे डॉक्टर दिखाना। तो दिल्ली आके टू कट इट शॉर्ट, क्योंकि तो हम फाइनली बाकी हॉस्पिटल्स में अपॉइंट नहीं मिला, एक रॉकलैंड बर्ग का हॉस्पिटल था जिसका नाम मैंने पहले नहीं सुना था, मैं वहां पे पहुंची, वहीं अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट मिला और वो हमारा एम्पैनल हॉस्पिटल भी था। तो वहां पे पहुंचे तो वहां पे जाके पता लगा कि वहां पे जो डॉक्टर थे वो एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, हमें नहीं मालूम था ऑर्थोपेडिक्स का, वो उस टाइम रिटायर करने के बाद ही वॉज इन रॉकलैंड। और बाद में हमें पता लगा कि रॉकलैंड में गुरु जी का बहुत सारे संगत डॉक्टर्स हैं। तो हम एकदम वहीं पे पहुंचे और उन्होंने देखकर बोला कि आपका हाथ गलत सेट हुआ। तो 1 जनवरी उन्होंने मेरा सर्जरी किया एंड 31 जनवरी हम गुरु जी का मंदिर में आके लंगर प्रसाद किए, मैंने एनेस्थेसिया के पहले तो आपको ये सब खाने, लेकिन हम आके रात को 9 बजे पूरी प्रसाद वगैरह सब खा के अगले दिन ऑफकोर्स गए। एंड वहां पे हॉस्पिटल जाते वक्त नॉर्मली हमारा अंकल यूजुअली ड्राइव्स केयरफुली, गाड़ी का इतने बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि पूरा शीशा चूर चूर हो गया, लेकिन हमें एक खरोच नहीं आया। तो गुरुजी उस टाइम लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वो एक आंटी है प्रेम शर्मा अंकल, डिप्लोमेट थे उनका, एम्बेसडर अंकल बोलते थे उनको, उनकी वाइफ मुझे मंदिर में, उनको मालूम नहीं था मैं कैसे गिर गई हूँ, उन्होंने मुझे देखकर बोला आंटी हाथ टूट गया, गुरु जी ने लाइफ दे दिया, गुरु जी के बहुत फेवरेट हुआ करता हाथ पैर तोड़ के लाइफ ब्लेस करता। तो ये गुरुजी ने मुझे लाइफ और मतलब एक बार, मतलब जो मेरे समझ में आए लाइफ एक बार और बख्शे थे। तो जय गुरुजी, मैं और नहीं, काफी रात को 11 बज गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना टू विक्रम अंकल एंड ऑल द मंदिर मैनेजमेंट, गुरुजी आप सबको अपने शरण में रखिए। जय गुरुजी।